नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उपस्थायाणं नमो उपस्थायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पापणासनो मंगलानंच सव्वे सिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यं निश्चयवन्द्यः तैत्रिशकोटि दैवगा विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलते भूल को माफी दो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद सर्वे सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद सभी के तरफ थी हर रोज सुबह और शाम दिन और रात हम अपने जीवन में पहले जिस प्रकार से अज्ञान यानि रिलेटिव सत्य का उपयोग करके जीवन जी रहे थे अभी ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से
हम सबकी दृष्टि परिवर्तन हो गई है और धीरे धीरे संपूर्ण हो रही है और इसी दृष्टि से हम ये पूरे विश्व को देखने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के अंदर हम सबको ये अनुभव होता है, ये महसूस होता है कि आखिर हम जो है वो कभी मिटने वाले नहीं है, हम जो है वो कभी परिवर्तनशील है ही नहीं, हम खुद ही शाश्वत शक्ति वाले हैं, हम खुद ही शाश्वत सुख वाले हैं और हमारा परमानेंट स्थान वो सिद्ध क्षेत्र है। हमारे अलावा ये जो पूरा विश्व हमको दिखता है, जो चल रहा है, जो परिवर्तनशील है, उनकी हर अवस्था टेम्पररी है। ये मन वचन काया की अवस्था भी हर अवस्था टेम्पररी है। ये सभी टेम्पररी को धीरे धीरे हम कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए ये कुदरती रचना है उसमें तो कोई संशय नहीं है, मगर हम कुदरती रचना नहीं देख सकते हैं। ये हमारी सोच कहो, समझ कहो, दृष्टि कहो, इसमें कोई ना कोई प्रकार की कमी है और इसी कमी को दूर करना, इसी का नाम है सत्संग। और इसीलिए हम सब अपने जीवन के अंदर ये अध्यात्म विज्ञान को बार बार सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, प्रश्नों का समाधान सुनेंगे और लेते भी रहेंगे। ऐसे करते करते हम अपनी दृष्टि को सनातन दृष्टि बनाने में एक दिन संपूर्ण सफल होंगे। पर मैं समझता हूं आप सबका ये अध्यात्म विज्ञान के ऊपर जो आपका विश्वास बना हुआ है, वो विश्वास ही आपकी सफलता की नींव है। और इसीलिए शायद कभी कम समझ में आए, कम उपयोग में आए या तो कम अनुभव में आए, फिर भी ये विज्ञान के ऊपर कभी शंका नहीं होना, यही अध्यात्म विज्ञान की सबसे पहली हमारी दृष्टि में नींव है, पक्की नींव। और ये नींव हमको धीरे धीरे अंतिम पद या अंतिम अनुभव की ओर आगे ले जाएंगी। तो आइए हम सब यही अध्यात्म विज्ञान को गौर से, यथार्थ रूप से अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में, सिद्धांत के रूप में, कुदरती कानून के रूप में, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में यथार्थ समझने की कोशिश करें और खुद की ही दृष्टि को यही सनातन ज्ञान और दर्शन से परिपक्व करें। तो यही हमारी भावना और आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। हर व्यक्ति का मन वचन काया वो कर्म फल है। हाँ। तो कर्म फल है तो उसमें तो कोई प्रश्न है नहीं, कर्म पहले किया है अभी ये फल मिलता है, मगर फल जो है वो कुदरती रचना है। जमीन में बीज हम बोते हैं और जमीन के ऊपर जो फल मिलता है वो कुदरत देता है। तो कुदरत देता है, इसीलिए उसको हम कुदरती रचना कहते हैं।
तो अंदर कहाँ है? हेलो हेलो, मैं सुनती हूँ। अंतर क्या है स्वामी जी के? रिलेटिव सत्य और उदय कर्म दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मैंने, आपने सही बोला, वो तो कुदरत का वो हुआ कि कुदरती फल देते हैं, और उदय कर्म भी उसको कहा जाता है। नहीं, मैं उदय कर्म बहुत सेम है और डिफरेंस है। एक मिनट, अगर किसी को, अगर कोई व्यक्ति को 1 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, उसमें एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा ये उसका उदय कर्म है। अच्छा, एक साइंटिस्ट ने कहा ये कुदरती रचना है। हाँ, वो तो सेम हो गया। तो सेम हो गया ना, रिलेटिव सत्य वो कुदरती रचना है, रिलेटिव उदय कर्म भी कुदरती रचना, दोनों कुदरती रचना है, आप ऐसे कहते हैं ना? रिलेटिव सत्य किसको कहेंगे? नहीं, ये आपका वो जो सोनेरी सूत्र में आया था 313 में, कि आध्यात्मिक विज्ञान में रिलेटिव सत्य को अज्ञान कहते हैं और मर्म कायाति दरेक किया को उदय कर्म कहते हैं। सो मुझे भी ऐसे गड़बड़ हो गई, डिफरेंस नहीं पता लगा। नहीं, अज्ञान किसको कहते हैं? मैंने अभी बोला ऐसा, मैंने मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, ओके ओके। अज्ञान किसको कहते हैं? ये लॉस जो हुआ, वो लॉस मेरा हुआ और सामने वाले व्यक्ति के निमित्त से हुआ, ये मानना तो अवश्य रिलेटिव सत्य है और ये अज्ञान भी है। हाँ, हाँ। मगर इसको कुदरती रचना मानना या तो कर्म फल मानना, उसमें तो अज्ञान है ही नहीं। बराबर। वो एक अवस्था को थोड़ी कर्म फल कहते हैं। हम एक अवस्था को जैसे कुदरती रचना नहीं बोलते हैं, ऐसे एक अवस्था को वो कर्म फल भी नहीं बोलते हैं। जन्म से मौत तक हर अवस्था को वो कहते हैं ये कर्म फल है, हम कहते हैं कुदरती रचना है, तो बात तो एक ही है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, तो इस वो सोनेरी सूत्र में ऐसा लिखा था, मुझे लगा डिफरेंस है, बट अभी ऐसे वाइड में। अज्ञान का मतलब होता है आपने रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना, यानी रिलेटिव सत्य को ही आपने परमानेंट ट्रुथ माना, वो आपकी दृष्टि का अज्ञान है। आंखों से दिखता है वो रिलेटिव सत्य है, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ। मगर हमारी दृष्टि में रिलेटिव सत्य नहीं होना चाहिए, सनातन सत्य होना चाहिए। हाँ, हाँ। अगर हमारी दृष्टि में रिलेटिव सत्य होगा तो फिर राग द्वेष तो होगा ही। बराबर। और राग द्वेष को मिटाने के लिए सनातन सत्य की जरूरत है, तो सनातन सत्य हम कर्म फल कहेंगे तो भी सनातन सत्य है, और कुदरती रचना कहेंगे तो भी सनातन सत्य है। मगर जब कर्म फल बोलते हैं, उस समय हमको ये नहीं मालूम कि हम मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं वो कर्म फल है, कि सिर्फ कहीं बातें कर्म फल है और कहीं बातें को हम पुरुषार्थ कहते हैं, वो कंफ्यूजन है। अगर मैं आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, तप करता हूँ, जप करता हूँ, तो हम उसको पुरुषार्थ कहेंगे, तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? तो क्या वो उदय कर्म नहीं है? मगर हमारे पास जो भी ज्ञान अभी तक है, वो ज्ञान जो मिला है, तो जिससे मिला है उनके पास भी कंफ्यूजन है, और इसीलिए आपके पास कंफ्यूजन है कि नहीं, वो तो प्रश्न है ही नहीं। नहीं, मैं अभी ये अच्छा आपने बताया, पर मैं आपको ये एग्जांपल जब भी बताया अभी मैंने, कि लोग सारे लोग ऐसे ही मानते हैं कि भगवान ये दुनिया चलाते, तो वो रिलेटिव सत्य में आ जाएगा और कंप्लीट अज्ञान में आ जाए। रिलेटिव सत्य इज अज्ञान। सो इज दैट ट्रू? अच्छा, मैंने बोला ना कि समझा। अगर भगवान दुनिया चलाता है ऐसा भी अगर हमको मानना है, हमको नहीं, ऐसे लोग मानते हैं। नहीं नहीं, अगर लोग मानते हैं तो कोई बात नहीं, एक दृष्टिकोण से सही है, एक दृष्टिकोण सही है,
दूसरी दृष्टिकोण सही नहीं है। रिलेटिव अगर आपने कहा कि अगर ये भगवान दुनिया चलाती है, दुनिया भगवान चलाते हैं, अगर वो भी मानते हैं तो भी किसको किसी के साथ किसी को दोषी देखना और राग द्वेष करना वो तो आपका अधिकार नहीं बनता है। नहीं नहीं कभी नहीं। मगर वो भी आप सही नहीं समझे। जितनी जितनी बातें आप करोगे वो हम सही नहीं समझे ना, मगर क्योंकि समझाने वाला सही नहीं था तो आप कैसे सही समझोगे। ओके। उनके पास ही द्वंद ज्ञान है, द्वंद भगवान चलाता है वो भी बराबर है, वो भी मानो, और तब जब आपको करना पड़ेगा वो भी मानो। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन कौन बनाएगा कि कौन भगवान का, कौन सा काम भगवान का है और कौन का कौन सा पार्ट तुम्हारा है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है नहीं है। और इसीलिए दुनिया ऐसी चलती ही रहेगी और चलती ही रही है, जहां तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे वहां तक वो लाइन डिमार्केशन नहीं बताएंगे कि ये काम कुदरत का है और ये काम तुम्हारा है, ये नहीं बताएंगे। वहां तक तो कंफ्यूजन रहता ही रहेगा। शब्द तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी तुम जो बोलते हैं, मोक्ष की बात करते हो, पुरुषार्थ की बात करते हो, कर्म की बात करते हो, ये सब बातें तो अन्य धर्म भी बताई गई है, ये शब्द तो अन्य धर्म गुरु भी बोलते हैं। मैंने बोला आपकी बात सही है, मगर शब्द बोलना वो तो माध्यम हो गया, मगर दृष्टि में सिद्धांत होना और वो भी सिद्धांत का अनुभव होना वो बड़ी बात है। शब्द बड़ी बात नहीं है, शब्द तो एक्सप्रेस करने का मात्र मीडिया है। तो ये मगर शब्द बोलने वाले के पास अनुभव होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता समझाई, वो ही गीता को मैं समझाता हूं, तो क्या मैं कृष्ण बन गया? नहीं। तो मैं तो अपनी दृष्टि से समझा रहा हूं और कृष्ण ने तो अपने अनुभव से बताया था, तो शब्द तो एक ही रहेंगे ने, जो कृष्ण भगवान ने बोला है वही शब्द मैं बोलूंगा गीता का, मगर शब्द बोलने वाले के पास जो कृष्ण भगवान के पास दृष्टि थी वो आज बोलने वाले के पास नहीं है। नहीं है। तो जब बोलने वाले के पास नहीं है तो सुनने के वाले के पास कहां से आएगी? और ये फिर अज्ञान का चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका एंड नहीं होगा जहां तक अनुभवी पुरुष नहीं मिलेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई। सच्चिदानंद स्वामी जी कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद बोलिए। हाँ स्वामी जी, भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया जो मेरे परम ऐश्वर्य को तत्व से जान पाता है और समझ पाता है और मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है वो मुझे पाता है। तो इसमें मैं ये समझ रहा हूँ स्वामी जी, तो जो परम ऐश्वर्य को तत्व से, मतलब जो हम तत्व बता रहे हैं, गति सहायक, स्थिति सहायक, जड़, चेतन, समय और स्पेस, वो मैं समझ रहा हूँ और आप उसमें जो गलती होगी तो बताने का, ठीक है। और योग शक्ति, भगवान ने बोला मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है, वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, वो आपको समझाना है। अभी उत्तर देने की शुरुआत करूं? पहला जो बताया कि मैं मेरा ऐश्वर्य तत्व रूप से समझना, मेरे परम ऐश्वर्य को, मेरे परम ऐश्वर्य को तत्व स्वरूप से समझना, मेरे परम ऐश्वर्य का मतलब होता है मैं शुद्धात्मा हूं, इसको ही समझना है, इसमें और कोई चीज आती नहीं है, वो ही परम ऐश्वर्य। परम का मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट, वो ऐश्वर्य बोला जाता है। बराबर सर। जिसके पास जो चेतन है,
अविनाशी है और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, इसी को परम ऐश्वर्य बोला जाता है। तो पहले एक तत्व की बात किया, मैं शुद्धात्मा हूं इनकी बात किया, वो परम ऐश्वर्य हो गया। दूसरा जो उन्होंने दूसरी जो बात किया, अभी दूसरा सेंटेंस रिपीट करो। जो मेरे योग शक्ति को तत्व से जान पाता है। योग शक्ति, योग मतलब मन वचन काया। बराबर। योग शक्ति यानी मन वचन काया, और मन वचन काया को चलाने वाले कुदरत है। कुदरत का मतलब होता है आत्मा के अलावा पांच तत्व। बराबर। वो भी सनातन है। हाँ। तो वो अगर पांच तत्व को जाने तो उसको क्या कहेंगे? योग शक्ति नहीं, कुदरती रचना नहीं। आप पूरा सेंटेंस बोलो, दूसरा। हाँ। पूरा सेंटेंस। मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है। वो मुझे पाता है, बस इतना ही है। तत्व से जान पाता है, तो तत्व से जान पाया कि ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो पांच तत्व से ये चलती है और बनाई हुई है। मैंने पहले भी कहा था, दुनिया ये छह तत्वों से बनी है, छह तत्वों से चलती है, और मन वचन काया भी छह तत्वों से ही चलता है। उसमें एक तत्व आत्मा जो ऐश्वर्य है वो तो आ गया, तो बाकी के पांच तत्व किसमें जाएगा? मन वचन काया में। मन वचन काया में जाए, बस इसको जान लिया, वही मेरे को पहचान गया। बराबर। ये मन वचन काया कुदरती रचना है ऐसा आपने जान लिया, तो तुम कौन है वो आपको समझ में आ जाएगा। और तुम और कृष्ण के अंदर रहा हुआ आत्मा, दोनों में अंतर नहीं है। बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ स्वामी जी, आया। और क्या प्रश्न करना है? बस दूसरा तो कोई नहीं है स्वामी जी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जागृति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जरूर जरूर, बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, मेरी शुभ कामना। जय सच्चिदानंद। जय श्री स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपने यहाँ दादाजी नो एक कोट छे, हिंदी हिंदी पण एक कोट गुजराती मां छे। ओके ओके, कोई बात नहीं। विज्ञान एज कुदरत छे ने, कुदरत ने विज्ञान नो एक ज मेल छे। कुदरत ने जानवी एनुं नाम विज्ञान, अने कुदरत ने ना जानवी एनुं नाम अज्ञान। कुदरत ने जानवी जोईए, कुदरत एटले साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ए हुं जोईने कहुं छुं स्वामी जी। एटले आ एवुं समजाय छे स्वामी जी के आखुं जे साइंटिफिकली वे थी जे बधुं चाले छे, एटले नेचरल नेचर होय के अननेचरल नेचर होय, ए बधुं साइंटिफिकली चालतुं होय छे। મને સ્ટ્રોંગલી સ્વામીજી એમ લાગે છે કે જેટલું આ સનાતન સત્યનું જે પ્રિન્સિપલ છે, જે સાયન્સ છે, એ પણ જો કોઈ સમજી લે ને તો એના પઝલ બધા એ શમી જાય। नहीं, बात बराबर है, आपकी बात बराबर है, मगर तकलीफ कहाँ होती है? हम वास्तव में अगर कुदरती रचना सही तरह समझ पाए तो मैं समझता हूँ ये संसार में कोई पजल हो ही नहीं सकता है, मगर हम ये कुदरती रचना को कुदरती रचना समझने में भी बहुत सारी गलतियां दृष्टि से करते हैं। जैसे अगर हम टीवी पर बैठे हैं और इसमें कोई पिक्चर आता है और पिक्चर में कोई व्यक्ति गालियां देता है और वो हम भी सुनते हैं, मगर हमको इसको कुदरती रचना के रूप में देखना हमको आसान हो गया है। क्या हो गया? आसान हो गया है। आसान हो गया, मगर हमारे सामने कोई व्यक्ति हमको गालियां देगी, इसको कुदरती रचना समझना आसान हमारे लिए नहीं होता है। संघर्ष होता है उसके लिए। हालांकि दोनों कुदरती रचना है, रचना ही है। बराबर है।
दूसरी बात हमारे छत के ऊपर पंखा चल रहा है, वो पंखा अपने आप चल रहा है और कहीं से वो कोई पक्षी आ जाता है और पंखे के अंदर अपने आप कट जाता है, तो पक्षी मरने का तो थोड़ा गम होगा एज अ ह्यूमन, मगर पंखा को दोषित नहीं देखेंगे हम। या सुनो, यस यस स्वामी जी, मगर कोई जिंदी व्यक्ति कबूतर को मारेगी तो कबूतर के लिए तो फीलिंग होगा सेम, मगर व्यक्ति को भी हम गुनेगार देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे। ये हमारे दृष्टि की कमजोरी है। बराबर है स्वामी जी। फिर हम कहेंगे कि हमको कुदरती रचना नहीं दिखता है, तो किसमें कमजोरी कहाँ है? हमारे में है कि दृष्टि में है कमजोरी। तो करेक्शन कहाँ करना है? वही दृष्टि में करना है करेक्शन। फिर आप कहोगे कि बाहर करेक्शन करना है, बाहर तो कुछ करना है ही नहीं। सही बात है स्वामी जी। अभी आप कहोगे कि भी मैंने कबूतर को मार दिया और फिर किसी ने कहा कि ये आपने गलती कर दिया, तो मैंने उसका प्रतिक्रमण कर दिया, तो क्या वो अज्ञान निकल गया? नहीं, अज्ञान तो नहीं निकला स्वामी जी, सिर्फ वो कर्म है बंधन, उसमें हमारा ये हुआ, हमको उसमें थोड़ा ये मिला। नहीं, मतलब आपको ये विज्ञान समझ में आया ना कि विज्ञान का उपयोग क्या है और धर्म का क्या है? बोथ आर द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। कर्म इज रिलेटेड विद द फिजिकल लाइफ और इसका कॉन्सेप्ट पाप और पुण्य है। हाँ, और अध्यात्म का मतलब नॉन फिजिकल लाइफ, इट मींस योर विजन। हाँ, योर विजन के अंदर मन वचन काया वो कुदरती रचना है, तो उसके अंदर पाप पुण्य की तो बात है नहीं। विजन में तो हमारा सनातन सत्य होना चाहिए और सनातन सत्य ज्ञान निकालने के लिए पाप पुण्य के लिए नहीं है। तो कोई मार देता है तो भी हमको नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने मार दिया। सही बात है। और कोई व्यक्ति लाखों लोगों को बचाती है तो भी हमको नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने बचाया, कुदरती रचना। हाँ, सही बात है स्वामी जी। मगर उन्होंने मारा उस समय हमको लगे का ये पापी है, उन्होंने बचा उस समय लगे का कि ये आदमी पुण्यशाली है, तो फिर वो आपकी दृष्टि धार्मिक हो गई, फिर आप धार्मिक सनातन सत्य वाली है। हाँ, बराबर है, एग्रीड है। तो करेक्शन वो वीज नहीं, मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आना चाहिए। और बार बार मैं ये कहता रहूंगा कि अवर स्पिरिचुअल साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ रीजन, नॉट ऑन अ बेस ऑफ मन वचन काया और गवर्नमेंट ओनरशिप। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सही बात है स्वामी जी, समझ में आया स्वामी जी। अभी स्वामी जी एक दूसरे, इसीलिए मैं बार बार ऐसे प्रश्नों को बार बार एनालाइज करता हूँ ताकि आपको अलग अलग एंगल से समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि आखिर हमको दृष्टि में ही सुधार करना है, न मन वचन काया मेरा सुधारना है, न मन वचन काया और कोई किसी का सुधारना है। सही बात है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, उदय कर्म हो सकता है। सही बात है। इसी रिलेटेड स्वामी जी, जैसे कि बोलते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें जो बोलते हैं प्रकृति तो अपनी डिस्चार्ज है, तो प्रकृति तो व्यवहार का जो है वो बताएगी, कुछ भी संजोग आ गया उसमें तो वो व्यवहार का बताएगी, यानी प्रकृति कुछ बोलेगी वो व्यवहार रिलेटेड होगा। मगर सेम टाइम हमारी दृष्टि में ये होना चाहिए कि ये है वो रिलेटिव सत्य है और रियल सत्य में तो ये हिसाब है वो अभी चुकते हो रहा है जी। ऐसे स्वामी जी, हर प्रसंग में हमको इसी तरह से ये दृष्टि को यूज करना है ना स्वामी जी? या तो इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, आपकी दृष्टि से भले चमड़े की या क्या देखती है वो रिलेटिव सत्य है। हाँ, मगर हमारी जो ज्ञान दर्शन वाली आंख है, जो अंदर की आंख है, वो अंदर की आंख में
ज्ञान और दर्शन दोनों सनातन सत्य ही कोई भी अवस्था में होना चाहिए। हाँ हाँ, यानी वो प्रकृति तो जो भी डिस्चार्ज है उसका पार्ट वो तो निभाएगा, मतलब वो नेचुरल है, वो डिस्चार्ज जैसा चार्ज हुआ था वैसे डिस्चार्ज होगा, मगर हमें हमारी दृष्टि में बिठाना, या तो दृष्टि में बिठाना है, इधर नहीं बैठता है तो, या तो फिर आ जाता है कि नहीं ये रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य में तो ये हिसाब हो रहा है। या तो हमको बिठाना है या तो फिर वो टाइम में आ भी जाता है कभी कभी, या तो कभी कभी बिठाना पड़ता है जी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमारी दृष्टि में से मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती हुई दुनिया की कोई भी अवस्था अगर हमने कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा और मैंने किया या तो सामने वाले ने किया ऐसा हमने देखा, या तो ये मेरा है तेरा है ऐसा हमने देखा दृष्टि से, बराबर, तो करेक्शन बाहर करना है कि अंदर करना है? अंदर ही करना है ना स्वामी जी। तो अंदर करना है वो दृष्टि की बात है, वो क्रिया की बात नहीं है। नहीं है हाँ। और बाहर तो करेक्शन करने का, और आपकी दृष्टि में कौन सी गलती हो गई? नहीं, बाहर की दृष्टि में तो स्वामी जी करेक्शन का ये आता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो टोटल डिस्चार्ज का पार्ट है। आपकी दृष्टि में कौन सी गलती हो गई? रिलेटिव, ये रिलेटिव सत्य को ये सत्य मान लिया ना, किसी को आपने कर्ता देख लिया तो आपकी दृष्टि में कहाँ गलती हो गई, या तो किस प्रकार की गलती हो गई? हाँ, ये दृष्टि में ये गलती हो गई कि जो कुछ हो रहा है वो कुदरती रचना है और हमने उसको कर्ता मान लिया है, तो दृष्टि हमारी गलत हो गई ना इससे। हाँ, अभी एक मिनट, अभी गलती हाँ, हमको मालूम हो गई कि गलती हमारी दृष्टि में है, और दृष्टि हाँ, में गलती कौन सी हो गई वो भी मालूम हो गया कि हमने कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, यहाँ तक तो आपका उत्तर सही है। अभी हाँ, आगे का प्रश्न, तो फिर हमको करेक्शन कहाँ करना है? हमको करेक्शन हमारी दृष्टि चुकने का करने का है कि ये दृष्टि चुक गई, इसलिए करेक्शन करना है। वो चुकने का करेक्शन कैसा होगा? चुकने का करेक्शन ऐसा हम करेंगे कि ये जो कुछ भी है जो बता रहा है वो रिलेटिव सत्य बता रहा है, पीछे का है, और अभी तो ऐसे है कि ये भी कुदरती रचना है और मेरे अंदर जो हो रहा है वो भी कुदरती रचना है, यानी जो निकला वो भी कुदरती रचना है। बराबर है, तो यानी आपको समझ में आया ना कि पूरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड की सब प्रोसेस अंदर है, और अंदर का मिस्टेक भी अंदर हुई और करेक्शन भी कुदरती रचना देखने से ही हुआ, तो उसमें कोई जगह प्रतिक्रमण की बात आई नहीं? नहीं नहीं, सामायिक की बात आई नहीं? आई प्रकृति की सुधारने की बात आई नहीं? आई स्वामी जी। तुम्हारा आया दूसरे के मन वचन काय को सुधारने की बात आई नहीं? बिल्कुल भी नहीं आई स्वामी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन। हाँ स्वामी जी, सही और बात उसी है। को ही बार बार आपको समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर गलती से आपकी दृष्टि बाहर चले जाएगी तो भी कम बैक एंड सेट अप कुदरती रचना और बराबर है बार बार। फिर उसमें ये नहीं कहा कि मेरी गलती, अगर कुदरती रचना नहीं देखा तो प्रतिक्रमण वो नहीं है कि गलती का हमने करते है, प्रतिक्रमण वो हाँ, है कम बैक एंड सी कुदरती रचना। हाँ हाँ, जो नहीं देखा वो देख लो नहीं, हाँ, वही स्वामी जी सही बात है। और ये तो आप बार बार कहते हैं स्वामी जी, तो बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस में भी आ गया है। नहीं समझ, मैं क्या कहता हूँ, इस प्रकार से बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो अभी भी स्टिल टुडे ऐसा लगता है कि मैंने बाहर कर्ता भाव से कुछ देख लिया और मान लिया, या तो मालिक की भाव से कुछ देख लिया या मान लिया, तो मेरी गलती बाहर हुई तो करेक्शन बाहर करना है। हाँ हाँ हाँ, हालांकि दृष्टि में हुई है, करेक्शन दृष्टि में करना है, दृष्टि में करना है, कुदरती रचना नहीं देखा वो नहीं करना देखा है। इसके लिए सही बात है स्वामी जी, तो ये बार बार लोग चूक जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको डिटेल में क्वेश्चन करके आंसर लेने की कोशिश किया। हाँ हाँ, ताकि लोगों को डिटेल में समझ में आए, डिटेल में छोटी हाँ, बात मगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नो क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड।
हाँ हाँ स्वामी जी सही बात है आपके एकदम। तो आपके माध्यम से मैंने सबको ये बताने की कोशिश किया कि हाँ। गलती कहाँ हुई, गलती का सॉल्यूशन क्या है, गलती का करेक्शन क्या है, ये सब कुछ जान लो आप। हाँ हाँ ये मेरे को ये बताने का मेरा ये आशय था, ये बताने का मेरा मकसद था सबको। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ स्वामी जी समझ में आया अच्छे से आया। और कोई प्रश्न? नहीं और कोई प्रश्न नहीं, फिर होगा तो पूछूंगी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी। तबीन जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपने तो आप का उपयोग वह पहला पाया है और उसके अंदर अनुभव का उपयोग वह दूसरा पाया और उसमें आगे फिर कहते हैं कि वही अनुभव टॉप लेवल पर जाता है तो तीसरा पाया और स्पष्ट वेदन वो शुक्ल ध्यान का चौथा पाया है। तो शुद्ध आत्मा हूं ये मना शुक्ल ध्यान ये जो रहा ये पहला पाया कह रहे हैं आप। हाँ बोलिए बोलिए बराबर है फिर। हाँ फिर और आगे का आप बताइए। नहीं पहला पाया वो है कि मैं शुद्धात्मा हूं वो शुक्ल ध्यान पहला है। फिर दूसरा आया संयोगों में मैंने शुद्धात्मा हूं ऐसा हाजिर किया वो दूसरा शुक्ल ध्यान का पाया है। संयोगों में ज्ञान होना वो पहली बात है, फिर ज्ञान उपयोग किया मतलब आपने ज्ञान को प्रैक्टिकल में लिया, नॉलेज से ऊपर गए, ये दूसरा पाया। नहीं समझ में आया? आगे समझ में। हाँ अगर मैंने वाइफ की डेफिनेशन जान ली और कंठस्थ कर दिया तो भी वाइफ का अनुभव नहीं होगा। क्यों बोलते नहीं है? क्योंकि अनुभव में नहीं आया अभी। तो अभी आपको उत्तर मिला ना क्या? अनुभव में नहीं आया अभी। सेकंड स्टेप समझ में आया? ओके आगे समझ में। हाँ अभी थर्ड स्टेप की बात करता हूँ। थर्ड स्टेप का मतलब होता है कि जो आपको अनुभव में आया है वो अनुभव आपको फूल रहा मतलब आपके जीवन की हर अवस्था में रहा, वो आपका टॉप लेवल का एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं केवल दर्शन। थोड़ी अवस्था में रहता है तो वो अवस्था में आपको दर्शन रहा, सभी अवस्था में नहीं रहा। तो सभी अवस्था में रहता है वो केवल दर्शन का चौथा पाया है। और पुरुषार्थ ही खत्म हो गया तो मेरा तीसरा पाया, और चौथा पाया है पुरुषार्थ ही खत्म गया वो स्पष्ट वेदन है। फिर पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया स्वामी जी, आ गया। नहीं अभी आपको ठीक समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। स्वामी जी आप कहना चाह रहे हैं पहला पाया तो जो शुक्ल ध्यान श्रद्धा में आया और दूसरा अनुभव में आया, तीसरा अनुभव में आया और उसका फूल अनुभव में, तीसरा फूल। हाँ, फूल बोलो, फूल समझते हैं? हाँ डेवलपमेंट में फूल। हाँ 100% 100% हर संजोग में। उसको केवल दर्शन कहते हैं। और चौथा पाया स्पष्ट वेदन, जो लास्ट बात में होता है वहां पुरुषार्थ भी नहीं होता है। तीसरे तक तो पुरुषार्थ है, चौथे में तो पुरुषार्थ भी नहीं है, सिर्फ अल्टीमेट एक्सपीरियंस अंतिम अनुभव। तीसरे तक तो पुरुषार्थ है, चौथे में तो पुरुषार्थ ही नहीं है, तो गलती होने की तो बात ही नहीं रहेगी।
तीसरे तक तो गलती हो सकती है क्योंकि संपूर्ण नहीं हुए हैं, तो फिर गलती है। मगर चौथे में तो गलती होने की संभावना भी नहीं है। तो स्पष्ट वेदन मतलब आत्मा का ही अनुभव हो गया, अभी और कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं रहा। नहीं रहा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। स्वामी जी इसी संदर्भ में एक और था, आपने बोला कि ज्ञान मिलने के बाद अधिकतम 15 भाव से मोक्ष होता है, ऐसा मना था। फिर उसमें आपने जन्म मरण काउंट नहीं किए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस अवतार में मैं कौन हूँ उसकी जागृति रही और मिले हुए ज्ञान का उपयोग करके डेवलपमेंट का बढ़ावा किया, तो ऐसे 15 भाव आप काउंट कर रहे हैं। बराबर है। फिर हाँ नहीं, आप मैंने क्या समझे बताइए, पहले आप क्या समझे वो बताइए। ये इसका मीनिंग आपने क्या निकाला? मैंने इसका मीनिंग निकाला कि जो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि 15 भाव में मोक्ष है, तो अंतःश्रद्धा रही कि 15 भाव में मोक्ष है, 15 भाव में मोक्ष है। वहां ये था ही नहीं कि उसमें जागृति और डेवलपमेंट वाला भाग, लेकिन आपने जब बताया तब समझ में आया कि 15 भाव हम उसे कहेंगे जहां मैं कौन हूं का डेवलपमेंट हर बार और हर अवतार में रहा। यही कहना चाह रहे हैं ना? या वही बात मैंने कहा कि अगर मेरे को आज ज्ञान मिला और मेरा 5% डेवलपमेंट हो गया ये बर्थ में, अभी नेक्स्ट बर्थ में मैं एनिमल में चला गया, तो वो काउंट करने की जरूरत है? नहीं है। फिर मैं देवलोक में चला गया, वो काउंट करने की जरूरत है? नहीं है। फिर मैं नर्क गति में चला गया, वो काउंट करने की जरूरत है? नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है ना वहां। हाँ, फिर मैं मनुष्य में आया मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य नहीं रहा पूरे लाइफ में, तो वो काउंट करने की जरूरत है? नहीं। तो कौन सा काउंट करने का? ज्ञान मिलने के बाद जो भी मनुष्य भव के अंदर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी जागृति 1-3% भी रहती है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत की रचना दिखती है, वो ही भाव काउंट करने की जरूरत है। ऐसे मैक्सिमम अगर 15 भाव होता है तो एक दिन धीरे धीरे करके 100% जागृति हो जाती है, और इसीलिए मोक्ष होता है, ये कहने का ज्ञानी पुरुष का मकसद है। तो समझ में आया? वहां समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो तो समझ में आ गया, लेकिन okay. स्वामी जी विज्ञान का उपयोग रहेगा तो जागृता तो रहेगी ना? ये इस बर्थ की बात करते हो? ये इस बर्थ की बात करते हो कि नेक्स्ट बर्थ की? भाव भाव की। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पिछले बर्थ में वो जागृति थी, वो आज भी है आपके पास? वो तो नहीं जानती स्वामी जी मैं। पिछले की नहीं जानती, अगले की जान लिया आपने पहले से? आपका साथ मिला है ना अब? नहीं, मैं मेरी साथ की बात नहीं करता हूँ। मेरे पहले भी बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आपको मिले होंगे, तीर्थंकर भी मिले होंगे, वासुदेव भी मिले होंगे, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ। मगर कौन मिला वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर हमने जो भी मिला उसकी वैल्यू हमने कितना किया उसके मुताबिक कैरी फॉरवर्ड होगा। मिलने से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया स्वामी जी। मैं भगवान के मंदिर में गया और मैंने भगवान को वास्तव में ही भगवान माना, हालांकि वो मूर्ति थी मगर मैंने भगवान माना, और भगवान के सामने रोया और भगवान को कहा कि आप जो कहेंगे वो ही मैं स्वीकार करूंगा, उसके अलावा कोई मेरी अलग सोच नहीं है,
और इसीलिए मैं आपको 100% समर्पित हो रहा हूं। तो ये मेरी जो दृष्टि है, ये मेरा जो समर्पण है, एक दिन मेरे को भगवान बनाने में काम आएगी, इसका परिपक्व। मगर मैं पुजारी के रूप में भगवान को 24 घंटा देखता हूं तो बोलते तो नहीं, नहीं आएगी। वो भी कहता है कि मेरे को भगवान मिला, वो भी कहता है कि मेरे को भगवान मिला, तुम भी कहते हो मेरे को भगवान मिला, दोनों कहते हैं, फिर क्या करोगे? दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस समझने का है। कई लोग कहते हैं कि दादा भगवान मेरे को मिले, मिलने से क्या फायदा? जब तुम्हारा अज्ञान नहीं गया, जब तुम विज्ञान नहीं समझे, तो फिर ज्ञानी पुरुष मिलने का फायदा क्या हुआ? समझ में आया? यही तो बात है स्वामी जी। अगर ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद, अगर ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद भी आज भी आप कहते हैं कि मन वचन काया की जो कुछ क्रिया है वो क्रिया को मैं पुरुषार्थ मानती हूं, तो फिर उसको मिलने से मतलब क्या रहा, वो तो बताइए। तो मिलना ये तो आपका उदय कर्म है, मैं स्वीकार करता हूं, उसमें कोई कमी नहीं, और वो भी आपको पुण्य से ज्ञानी पुरुष मिला, वो भी स्वीकार करता हूं। मगर जब आपने मिलने के बाद इसको समझा ही नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, बताइए मेरे को। ठीक बात है स्वामी जी, सही बात है। तो बड़ी बात ये है, दो बात बड़ी है। पहली बात यह है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष को मिलना, ये पहली बात है। मगर उनके साथ अगर उनकी बातों को सही तरह से समझना, वो भी दूसरी बात है। अगर पहली बात के बाद दूसरी बात नहीं आई तो फिर मिलने का कोई फायदा नहीं रहा। समझ में आया? ठीक बात है। और इसीलिए अच्छी तरह आ गया स्वामी जी। और इसीलिए दादा भगवान ने भी अपने सत्संग में बहुत बार कहा है, हम तीर्थंकर भगवंतों की सभा में बैठ कर आए हैं। आप समझे? हाँ। तो फिर उस समय हमको ज्ञान नहीं मिला होगा? ज्ञान मिला, लेकिन वहां संसार का कहीं ना कहीं चटनी चाटने का भाव रहा होगा ना। बात वही हो गई कि हम इसको समझ नहीं पाए, वही आपका उत्तर है ना, जो मैंने पहले कहा। तो आपको ये बात तो स्वीकारनी पड़ेगी कि अगर कितना भी समर्थ पुरुष मिलते हैं, अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो गलती हमारी है, उसमें मिला उसका गौरव करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सही बात है, आप समझे ना। हाँ ठीक है स्वामी जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि प्रणाम। मारा स्वामी जी, आज आपनो डेवलपमेंट से एना रिलेटेड क्वेश्चन छे। मैं हिंदी में बताता हूँ। जो अपने बोलते हैं कि डेवलपमेंट माइनस नहीं होता, और या तो बढ़ता है या तो स्थिर रहता है। ओके। और 360 डिग्री का जब डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वो डेवलपमेंट का क्या होगा, वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो कहाँ होगा, क्योंकि चार जतिष्णात्मा तो होगा नहीं इसका उपयोग करने वाला। और मूल आत्मा में तो ऐसी को होता नहीं, और जो डिस्चार्ज में जाएगा वो डेवलपमेंट किसके साथ जाएगा? 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया तो केवल दर्शन हो गया,
अज्ञान निकल गया तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहा और इसीलिए पुरुषार्थ भी नहीं रहा। बराबर। अभी हमको पूरा विश्व मन वचन काया के साथ पूरा जो विश्व कुदरती रचना के रूप में देखना है वो हमारा पुरुषार्थ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अज्ञान निकल गया। तो अभी उसकी क्या जरूरत है? यानी वो डेवलपमेंट फिर उसका कोई यूज नहीं रहा, ऐसा है समझने का? कैसे समझने का? फिर 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया केवल दर्शन, तो उसका रिजल्ट आया केवल ज्ञान का बीज। और नेक्स्ट पथ में उसका रिजल्ट आएगा केवल ज्ञान। बराबर, समझ में आया? अभी थोड़ा और कंफ्यूजन है स्वामी जी, जो yes. मैं जिस तरह सोचता हूँ इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि डेवलपमेंट अलग है और उसका उपयोग करने वाला अलग है। जो चार प्रतिष्ठित आत्मा है वो डेवलपमेंट का यूज करता है, उपयोग करता है। और जब वो 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो गया और फिर भी हमारे कुछ वर्ष यानी बच गए उस जन्म के, तो भी वो चार प्रतिष्ठित आत्मा तो जब तक वो आयु है, वो शरीर है, तब तक रहेगा। ओके। तो वो तब तक तो यूज करेगा 100% लक्ष्य और 100% दर्शन का। ओके। फिर नेक्स्ट बर्थ हुआ। ओके। और मनुष्य क्या ही हुआ और लास्ट बर्थ है। ओके। तो चार प्रतिष्ठित आत्मा तो रहेगा ही नहीं। ओके। और वही आप बोल रहे हैं इस तरह, इसे समझने का कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, डेवलपमेंट और चार प्रतिष्ठित आत्मा। यानी वो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, यानी ना खड़ा भी नहीं होगा, नहीं इस तरह समझने का? आप अभी ये डेवलपमेंट की भाषा और पुरुषार्थ की भाषा दो समझ नहीं पाए। हाँ, वही समझना चाहता हूँ। मैं आपको एक लौकिक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लौकिक का मतलब होता है कि व्यवहार में जो हम डेवलपमेंट बोलते हैं वो समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अहमदाबाद में हैं और मुंबई जाना है, तो अभी तो हमको मुंबई जाने का रास्ता मिला, ज्ञान मिला, ठीक है, मगर हमने चलना शुरू नहीं किया तो हमारे लिए रास्ता का अनुभव का अज्ञान अभी भी है रास्ता मिलने के बाद। यस और नो? यस यस यस। अभी मैंने अहमदाबाद से बंबई 500 किलोमीटर है, मैंने 50 किलोमीटर चला तो 50 किलोमीटर का ज्ञान हो गया मेरे को, उतना अनुभव हुआ, मगर 450 का अज्ञान अभी बाकी है कि नहीं? हाँ बाकी है, बाकी है। तो 50 का तो डेवलपमेंट हो गया, अभी उसमें चलने की जरूरत है? नहीं, वो तो वहां तक तो आ गए हम। ओके। अभी हमने ऐसे करते करते 100 किलोमीटर चले, ठीक है, तो 100 किलोमीटर का रास्ता मतलब अज्ञान खत्म हो गया। अभी 400 किलोमीटर का बाकी रहा, तो वो 400 किलोमीटर का अज्ञान और 100 किलोमीटर का डेवलपमेंट। ऐसे करते मैं 400 किलोमीटर चला तो 400 किलोमीटर का अज्ञान निकल गया यानी डेवलपमेंट हो गया, और 100 किलोमीटर का अज्ञान बाकी रहा। बराबर है कि नहीं? नहीं बराबर। अगर मैं 500 किलोमीटर ने मैंने खत्म कर दिया तो मैं बंबई आ गया, अभी चलने की जरूरत नहीं क्योंकि संपूर्ण डेवलपमेंट हो गया, अभी क्या जरूरत है? हाँ बराबर, अज्ञान भी नहीं है और डेवलपमेंट का मतलब डेस्टिनेशन आ गया। अभी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। अभी समझ में आया था? पक्का? नहीं, अभी समझ में आया, यानी जब तक वहां पहुंचे नहीं तब तक लक्ष्य है, पर वहां पहुंच गए फिर लक्ष्य क्या हो, वहां पहुंच गए फिर तो बस वही समझना था। थोड़ा कंफ्यूजन था, सोच रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। एनी क्वेश्चन मोर? नहीं, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जागृति बे? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
મારે ગીતાજીમાં એક શ્લોક છે, એનો બે શ્લોક છે, એના વિશે સમજવું છે કે એવી રીતે આવે છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. તો આનું ગુજરાતી કરું કે? નહીં નહીં, બોલો બોલો, કઈ વાત નહીં. હા, એટલે ઈ એક એ છે શ્લોક, અને પછી બીજું પાછો એમાંથી આવે છે કે પરિત્રાણાયમ સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. અભી ઉસમે સે આપકો પ્રશ્ન ક્યાં કરના હે વો બતાઈએ. એટલે આમાં કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા માંગે છે ને કે જયારે જયારે ધર્મ ની હાનિ અને અધર્મ ની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપ ને સર્જું છું, એટલે કે સાકાર રૂપે લોકો સમક્ષ પ્રગટ થાઉં છું. એટલે આ સાકાર રૂપે પ્રગટ થાઉં છું એટલે કઈ એમાં ખબર પડતી નથી કે શરીર રૂપે એનું એવું જ કહેવા માંગે છે સાકાર રૂપ તો, અને યુગે યુગે જન્મ લઉં છું ને એવું, અને અધર્મ ની સ્થાપના ધર્મ ની સ્થાપના કરું છું ને. અધર્મ અને ધર્મ ये दोनों दृष्टि है के साकार है? दृष्टि दृष्टि तो करेक्शन कहाँ करना है? સુધાર કહા કરના? બોલીએ બોલીએ. હા, એટલે અધર્મ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં છે અને ધર્મ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં જ છે, એટલે સુધારવાનું પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં જ છે એવું. ઓર અપના આત્મા વોહી તો કૃષ્ણ હૈ, વોહી રામ હૈ, વોહી મહાવીર હૈ, વોહી શિવ હૈ, ઓર વોહી સર્વસ્વ હૈ. નામ જો ભી દેના ચાહતે વો દે સકતે હૈ. દેખો देखो, पानी में ग्लास, ग्लास के अंदर पानी पड़ा है, ये ग्लास को पानी को ऐसा बोल सकते हैं कि मगन भाई का पानी है, छगन भाई का पानी है, चंदूलाल का पानी है, ऐसा बोल सकते हैं. पानी किसी का नहीं है. हाँ बराबर. नहीं समझ में आया? हाँ समझा. ऐसे हमारा आत्मा जो है इसका तो हाँ. कोई मालिक है नहीं, और प्रकृति है, इसका नाम रखा गया है क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए. मगर जिसका नाम है इसका नाश है और मैं अविनाशी हूं, तो पर कोई दिक्कत नहीं है. मगर जब मैं अविनाशी होते हुए भी विनाशी के साथ जुड़ गया, ये मेरी दृष्टि की कमजोरी है, और इसका फल मेरे को कुदरत देगी. हाँ बराबर. तो कृष्ण कहां से बाहर है कि अंदर है? प्रश्न अंदर અંદર ઉભા, બહાર બહારનું દ્રશ્ય જોઈને અંદર ઉભા થાય છે ને પ્રશ્ન. હા, મગર કૃષ્ણ અભી આપને જો પૂરા શ્લોક પડા તો વો શ્લોક વાલા કૃષ્ણ અંદર હે કે બહાર હે? અંદર હે. હા, ઓર હમ તો અભી રૂપી ઢૂંઢતે હે કે જન્મ લેગા, જન્મ લે સંભવામી યુગે, વો તો હમ બહાર ઢૂંઢતે હે, વોહી મુરલી વાલા, ચક્ર વાલા, ગાયો ચરાને વાલા, વહી ઢૂંઢતે હૈ. હા બરાબર. તો ફિર કહાં સે મેલ બેઠેગા? ક્યાંથી નો બળે મેળ? ઉંધી સમજણ. હા, ઉંધી સમજણ ના લીધે થી મેળ નો પડે ને પછી. એસા હી જીવન મે હોતા રહેતા હૈ, ઓર હમારા જીવન વૈસે હી कंफ्यूजन में समाप्त हो जाता है, नए कंफ्यूजन के साथ, और इसीलिए जन्म मरण का चक्कर कंफ्यूजन से चालू होता है. अगर हमारी दृष्टि सही हो गई तो दृष्टि में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मन वचन काया में कितना भी दोष क्यों ना है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है. और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लाखों लोगों को मारने वाले, हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए, लाखों लोगों को हिंसा करने वाला अर्जुन भी वही अवतार में मोक्ष में गए, और हम चीटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं.
नहीं समझ में आया? हाँ समझाओ। समझ में आया? लोग क्या कहते हैं, 24 तीर्थंकर में से ज्यादातर तीर्थंकर तो शादी किया था, राम ने भी शादी किया, कृष्ण ने भी शादी किया, महावीर ने भी शादी किया, श्रीमद रामचंद्र ने भी शादी किया, दादा भगवान ने भी शादी किया, मगर उपदेश देने वाला कहेगा आपको मोक्ष में जाना है तो शादी नहीं करने का। अभी आप हंसते हैं, जो लोगों को मानते हैं वो तो शादी करते थे, हमको क्या कहते तुमको नहीं करने का। और ऐसे दुनिया चलती है। हाँ बराबर है। तो इसीलिए हमको वास्तविकता समझ में ही नहीं आती है कि करेक्शन बाहर नहीं करना है, अंदर करना है। हाँ बराबर। मगर जब बाहर करेक्शन करने के लिए चले जाते हैं तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता ही रहता है, और उसमें कोई कभी भी एंड नहीं होगा। એટલે પ્રભુ હું એવું સમજતી હતી કે યુગે યુગે જન્મને, એટલે મને એવું લાગતું હતું કે તમારા જેવા જ્ઞાની પુરુષો કોઈ ને કોઈ આવતું જ હોય છે એમ, કૃષ્ણ જાણે એવું નહીં। कहने का मतलब ये है कि हमारे दोनों की राशि तो एक ही है। तो तुम्हें नहीं आई माने। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि समय समय पे इस धरती के ऊपर, इस भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि ये संतों की भूमि है, हाँ। योगियों की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, तो ये भूमि के ऊपर समय समय पे ऐसे अनुभवी आत्मज्ञानी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और हजारों लोगों को मार्गदर्शन देने के वो उत्तम निमित्त बनते हैं, मगर वो कभी अपने आप को वो बड़ा नहीं समझते हैं और ना ही अपने आप को छोटा समझते हैं। वो कहते हैं मैं जो हूँ वो तो पहले भी था, आज भी है और बाद भी रहूंगा, और बाद में जो मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ मेरी फर्ज है। तो इसीलिए मेरी बातों से अगर आप मेरे को बड़ा कहोगे या छोटा कहोगे वो आपका सब्जेक्ट है, मगर मैं तो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहूंगा, चाहे शरीर का अस्तित्व रहे या ना रहे, मगर मैं तो था है और रहूंगा। और इसीलिए दुनिया के लोग बाह्य संजोगों के आधार से उनको टाइटल देते हैं, वो रिलेटिव सत्य है, हमको तो सनातन सत्य समझना है। हाँ। ओके ओके, और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही स्वामी जी मेरी? यस यस। जैसे जय स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि भाव एग्जैक्टली क्या है, और उससे रिलेटेड दूसरा उप प्रश्न ये कि भाव करने पड़ते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाते हैं? भाव होता है एज पर योर इंटेंशन, और इंटेंशन क्रिएट होता है एज पर योर ज्ञान एंड दर्शन एट दैट टाइम। समझ में आया? ओके ओके। जो समय में आपका जो भी ज्ञान दर्शन है उसके ही मुताबिक इंटेंशन होगा और कर्म चार्ज भी होगा। बिना ज्ञान दर्शन कर्म चार्ज होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म क्रिया से नहीं बनता है, कर्म दृष्टि से, भाव से, अज्ञान से बनता है। बराबर। और इसीलिए मैंने अगले ही प्रश्न के उत्तर में कहा लाखों लोगों को मारना वाला भी वही अवतार में मोक्ष में गए, क्योंकि अज्ञान नहीं था, क्रिया तो नरक जैसी थी, मगर अज्ञान नहीं था तो कर्म नहीं था, उसीलिए मोक्ष में गए। बराबर है, बराबर है। इसमें कोई जगह कंफ्यूजन है?
हाँ मेरा ये कंफ्यूजन था स्वामी जी, नहीं, अभी है हाँ नहीं, मैं यही पूछना चाहता कि मैकेनिकल चेतन में तो सभी क्रियाएं जो होती है डिस्चार्ज प्रतिचार्ज में वो एटो मोड में होती है। ओके, तो उसके अंदर जो भाव होते हैं वो तो भाव ऑटोमेटिक ही आते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं होती ना। वो डिस्चार्ज भाव की मैंने डेफिनेशन दिया है, वो आपको मालूम है कि नहीं? डिस्चार्ज भाव की डेफिनेशन मैंने चार्ज और डिस्चार्ज दोनों भाव के लिए डेफिनेशन बताई है सत्संग में। लाइन ऑफ डिमार्केशन, हाँ वो पता है, ये भाव के जो भी भाव हो रहे हैं दैट इज डिस्चार्ज ओनली। हाँ तो बस आपको उत्तर मिल गया, और कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे स्वामी जी कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि भाव जो है ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते ही करके। कौन सा भाव? वो चार्ज भाव की बात है, और डिस्चार्ज भाव वो तो मैकेनिकल होगा ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, और उसमें आपके फ्रीडम नहीं है। मगर चार्ज भाव जो होता है वो तो आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधार से, आपके ही अहंकार के सिग्नेचर से होता है, क्योंकि आपको ही नेक्स्ट बर्थ में सफरिंग करना है, तो वो मैकेनिकल नहीं हो सकता है। यू आर इन्वॉल्व विथ योर सिग्नेचर, राइट? देन आफ्टर द भाव इज क्रिएट, सो इट इज नॉट मैकेनिकल और ऑटो मोड। हाँ, I do understand. Okay, right. Fine. Right. Any other question? No. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. हिंदी में ये था कि क्षणवर्ती और समयवर्ती, अभी दो दिन पहले आपने बताया, तो उसी प्रकार मुझे ये जानना है केवल ज्ञानी, केवल ये त्रिकाल ज्ञानी, उसमें फर्क क्या है? केवल ज्ञानी और त्रिकाल ज्ञानी में क्या फर्क है, बराबर है ये आपका प्रश्न है? हाँ जी, साइंटिफिकली मैं समझ गया, मगर उसके उसके साथ ये क्षणवर्ती और समयवर्ती से कोई कंसर्न नहीं है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अच्छा, ठीक है। हाँ, मगर मैं उत्तर दे रहा हूँ, मगर इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एनीवे, हाँ ठीक है। तो त्रिकाल ज्ञानी का मतलब क्या होता है? उनको तीनों काल का ज्ञान है, इसको त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है? मगर त्रिकाल ज्ञानी वो सर्वज्ञ होना जरूरी नहीं है। अच्छा। त्रिकाल ज्ञानी को भूत का ज्ञान हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, और भविष्य का भी हो सकता है, ये तीनों ज्ञान हो सकता है। तो जैसे किसी को अवधि ज्ञान भी है, जाति स्मरण ज्ञान भी है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है पिछले अवतार का ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब होता है अभी क्या हो रहा है पूरे विश्व में, वे भी उनको दिखाई दे रहा है। इससे केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम त्रिकाल ज्ञानी को लेमैन लैंग्वेज में उत्तर देना चाहेंगे, लेमैन लैंग्वेज में, आप समझे ना, एक सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में उसका उत्तर देना चाहेंगे, तो हमको कल क्या हुआ था वो भी मालूम है, आज क्या हो रहा है वो भी मालूम है, और कल क्या होगा वो भी हमको अप्रोक्सीमेट मालूम है, इसीलिए हमको त्रिकाल ज्ञानी नहीं कहेंगे। बराबर। और त्रिकाल ज्ञान अगर कहोगे तो भी वो तो नॉर्मल बात है, इसको हम केवल ज्ञानी नहीं कहेंगे। बराबर। तो अभी उसमें मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? प्रिंसिपल। हाँ, पहले ऐसी माइल्ड बातें करके आपको समझाने की मैंने कोशिश किया, और अभी मैं एग्जैक्ट बताता हूँ प्रिंसिपल। त्रिकाल ज्ञानी होता है, इनको रिलेटिव सत्य दिखाता है, और केवल ज्ञानी होता है, इनको रिलेटिव सत्य प्रकाशित होता है, वो देखता जानता नहीं है।
कैन यू रिपीट अगेन? त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञानी को रिलेटिव सत्य ही दिखाता है और केवल ज्ञानी को रिलेटिव सत्य सिर्फ प्रकाशित होता है, वो देखता जानता नहीं है। ओके ओके यस यस हाँ हाँ बराबर बराबर हाँ समझ में आया। ओके और कोई प्रश्न? वही मैं वही पर ही कंफ्यूजन हो रहा था कि जब जिसको मोक्ष मोक्ष का ज्ञान तो है, जो मोक्ष स्वरूप है जिसको केवल ज्ञान है, लेकिन उसको तो ये नहीं पता है ना कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है या पास्ट का क्या होने वाला है, ऐसा सब वो देखने जाता थोड़ी ना, वो तो नहीं जानता है ना। जैसे रामचंद्र का था तो उसको उन्होंने आंख बंद करके कभी देखा नहीं कि पास्ट में मेरा क्या होने वाला था, क्या था और प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, नहीं तो पता लग लेता ना जानते हुए भी पता लगा लेते ना कि कल। केवल ज्ञानी को सबसे पहली बात क्यूरियोसिटी होती ही नहीं है, नंबर वन, और नंबर टू क्यूरियोसिटी की क्वालिटी जिनको देहाध्यास है इनको होता है, जिनको केवल ज्ञान होता है वो नहीं होता है। अगर सीता जी ने राम को कहा कि तुम वो मृगजल लेके आओ, तो वो सीता जी ने राम को कहा, वो राम दौड़ के उनको लेने के लिए गया, मगर वो राम था, वो प्रकृति था और वो कुदरती रचना के अधीन था, मगर अंदर के राम को कुदरती रचना से या प्रकृति से या प्रकृति की अवस्था से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, हाँ, समझ में आया, क्योंकि उनको तो स्पष्ट वेदन था। मगर स्पष्ट वेदन होता है या केवल ज्ञान होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये पावर्स कुदरत ने किसी को नहीं दिया है, केवल अज्ञानी को भी नहीं दिया है, केवल ज्ञानी को भी नहीं दिया है, तीर्थंकर को भी नहीं दिया है, वासुदेव को भी नहीं दिया है। ओके, यही जानना था दादा मुझे, यही पर कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था कि अगर जानते हो भी तो है नहीं। हाँ, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। रायचंद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। उदीर्णा का मतलब है कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म इसी अवतार में ही ज्ञान अग्नि से भस्मीभूत करते हैं, वह ज्ञान अग्नि की व्याख्या। यस यस, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के उपयोग से भस्मीभूत करते हैं वह उदीर्णा। कोई कर्म बांध दिया और वह नेक्स्ट बर्थ में उदय में आता है, तब आप शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के उपयोग में रहें, उसे भी उदीर्णा कहते हैं। कारण की कर्म उदय में आया परंतु भोगा नहीं, वह भी उदीर्णा कहलाते हैं। कर्म उदय में आया पर भोगा नहीं, उसे भी उदीर्णा कहते हैं। इस पे थोड़ा सा चर्चा करना है कि भोगा नहीं मतलब क्या है, कि संभाव से निकाल करना। भोगा नहीं मतलब संभाव से निकाल करना, वो तो बराबर बात है। हाँ। मगर भुगतान वाले प्रकृति से मुक्त रहे, वो ही उसका शुद्ध ज्ञान दर्शन। जैसे केवल ज्ञानी भी जन्म से मौत तक की हर भुगतान में अपने केवल ज्ञान से मुक्त रहता है, तो वो भुगतान नहीं करता है। और प्रकृति तो कर्मों के भुगतान के लिए ही बनी है। हाँ। मगर अंदर केवल ज्ञान होने के नाते उनको कोई भुगतान ही नहीं है, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है। अच्छा, मतलब तो इसीलिए सब निर्जरा ही है,
सब निर्जरा है, कुछ चार्जिंग नहीं है। अगर हम उदय कर्म में उससे मुक्त रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने वो कर्म भोगा नहीं है। बेशक उसकी वेदना शरीर को होती है, पर हम मुक्त रहते हैं, इसका मतलब है कि वो उदीर्ण है। भोगा नहीं है उसका मतलब है, जब मैं कहूंगा मैंने ये कर्म के भुगतान का किया, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, अगर मैंने भुगतान किया मतलब अभी जो भुगतान किया इसके लिए मेरे को अभी उसका रिवॉर्ड लेना है। भुगतान का मतलब इफ अगर मैंने सफरिंग किया है, सफरिंग फील किया है, मींस कर्म नए बनेंगे। हाँ, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर आपने आपने देखा कि सफरिंग करने वाली प्रकृति है और मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो आपने सफरिंग किया नहीं तो कर्म चार्ज होंगे? नहीं होंगे, उस वक्त तो नहीं होंगे, लेकिन ये तो सोच में, नहीं, ये सोच में आना ही, स्वामी जी ये सोच में आना ही कि मैंने कर्म किए नहीं और मैं इससे मुक्त हूँ, तो ये भी देहाध्यास ही तो है, ऐसा ध्यान में आना ही नहीं चाहिए। मतलब देहाध्यास तो रहता ही है, अगर ये विचार भी आता है, अगर विचार में भी आता है कि मैंने ये कर्म किए हैं और इसके बाद मैं तो इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति में है, तो ये भी देहाध्यास ही तो है। वही तो मैं कहता हूँ ना, मैंने बार बार सत्संग में क्या मैं बताता हूँ, न मन वचन काया की प्रकृति को टच करना है, न इन्वॉल्व होना है, न बदलना है, न सुधारना है। आपको तो 100% मन वचन काया से मुक्त ही रहना है, उसी का नाम है केवल दर्शन। ये मैंने बार बार कहा है कि नहीं? बिल्कुल कहा है आपने, तो इसमें तो इन्वॉल्व होने की बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है अपनी मर्यादा के अधीन या तो अपने ज्ञान दर्शन की कमजोरी के अधीन, तो फिर उनको कर्म तो बनेंगे क्योंकि ये कुदरत का कानून है और कोई व्यक्ति का कानून नहीं है। मगर आप इसमें सुधार कर सकते हैं कि अगर उस समय हमको ज्ञान दर्शन का उपयोग सही नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाद में भी हम उसी अवस्था को देख के ज्ञान और दर्शन का उपयोग सही कर सकते हैं। मगर जो कर्मचार्ज हुआ वो तो डिस्चार्ज होगा, मगर आपने बाद में पुरुषार्थ करके उसी अवस्था को शुद्ध ज्ञान दर्शन से देख लिया तो उसका भी तो रिजल्ट आएगा। हाँ, वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक आएगा। अभी आप समझ गए स्वामी जी। ये शुद्ध दर्शन होने के पश्चात, केवल दर्शन होने के पश्चात, तो दर्शन भी रहता है और ज्ञान भी रहता है, और लास्ट बर्थ में भी दर्शन भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। लास्ट बर्थ में प्रकृति है, इसीलिए दर्शन जरूर है, मगर हाँ, वो दर्शन स्थिर है, पुरुषार्थ वाला नहीं है। हाँ, उसके पहले का दर्शन पुरुषार्थ वाला था, केवल दर्शन तक, केवल दर्शन के बाद नहीं है। बाद में दर्शन पुरुषार्थ वाला नहीं है, पर क्योंकि शरीर है तो इसलिए उनका दर्शन सहज हो गया, कुदरती रचना। अभी वो पुरुषार्थ रूप में नहीं है, ये कुदरती रचना भी है और ये मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, ऐसा इनको सहज रहता है। सहज का मतलब होता है विदाउट एनी एफर्ट। मतलब जो रिलेटिव जो है वो अभी भी, मतलब है वो रहता है दिमाग के अंदर, उसके लास्ट के बर्थ में, मतलब उससे पहले शुद्ध आत्मा होने के बाद भी जी, ठीक है। मगर वो उसमें क्या होता है कि उनके पास डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ना भैया। हाँ हाँ,
तो हाँ, वो तो प्रकृति को देखेंगे जानेंगे, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, मगर परिणाम को तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, यही तो उनका रोल है। मगर मूल आत्मा अगर अज्ञान नहीं है तो मूल आत्मा तो अपने स्वरूप में और स्वभाव में जो स्थिर था वो खुला हो गया, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और लेकिन डिस्चार्ज में दर्शन रहता है, डिस्चार्ज में होता है, मगर वो कंसर्न नहीं है ना। डिस्चार्ज में तो चारों अघाती कर्म है, चारों अघाती कर्म है, ठीक है, फिर भी तकलीफ नहीं है। और इसलिए डिस्चार्ज के पार्ट को इतना इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज का मतलब ही मैकेनिकल, ठीक है, राइट, ठीक है साहब। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। संगीता बेन अनम्यूट करो। हेलो, हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी हम हमारे शरीर को जो भी भुगतना मिलती है, बस उसको सिर्फ ये कह देने से कि ये तो शरीर भुगत रहा है, मन को दुख हो रहा है, ये कहने से हम मतलब छूट जाते हैं फिर। जैसे मान लीजिए कोई हमारा अपमान करता है या हमें दुख देता है, तो उस समय हम ये बोल दे कि ये तो बेचैनी संगीता को हो रही है, ये बेचैनी तो शरीर को हो रही है, शरीर भुगत रहा है, मैं नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो भी भुगतना मुझे मिली है ये तो कुदरती अवस्था के अधीन मिली है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन तो इससे इससे हम छूट जाते हैं इतना बोलने मात्र से? नहीं, अगर इतने बोलने से छूटने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो ये नहीं मानने से छूट जाओगे। नहीं, नहीं छूट सकते हैं, नहीं मानने से भी छूटोगे, नहीं मानने से भी नहीं छूटोगे, तो और कौन सा रास्ता है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दुख सुख तो शरीर को भुगतना ही पड़ता है ना, मतलब। और शरीर क्यों मिला है? दुख भुगतने के लिए ही। तो फिर प्रश्न क्यों हुआ? शरीर मिला दुख भुगतने के लिए, और प्रश्न है कि शरीर को दुख मिलता है, तो प्रश्न करने का मतलब क्या रहा? जब रोल ही उसका ये है तो फिर प्रश्न का मतलब क्या रहा? रोल समझते हैं ना? हाँ जी, नहीं मैं स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जो भी दुख सुख, अच्छा बुरा, भला बुरा, अपमान, जो भी कुछ मिलता है, तो हम ये अपने मन में मतलब ऐसा विचार करें, ऐसा सोच लें कि ये तो दुख शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, तो मतलब इतना कहने से मतलब हमारी दृष्टि में जो उपयोग है वो दृष्टि का जो पुरुषार्थ है वो हो जाता है पूरा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। वही मैं कहता हूँ कि वास्तव में हमारी दृष्टि ही तो परिपक्व करना है। अगर मन वचन काया को परिपक्व करोगे तो भी उसको जलाना है, यह सुनो। हाँ जी, यस। और आत्मा तो शाश्वत है ही, तो फिर पक्का किसको करना पड़ेगा? शरीर को, प्रतिष्ठित आत्मा को या परमात्मा को? किसको पक्का करना पड़ेगा? दृष्टि को पक्का करना पड़ेगा, बस। तो बात वही पे आ गई जो हम कहते हैं, बात तो वहीं भी आ गई ना फिर। अच्छा स्वामी जी, जो भी अभी आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसे 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 आप, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। अगर आप 5 साल की 7 साल की या 10 साल की लड़की हो और आपने कभी रोटी नहीं बनाई, मगर माता जी कहती है अभी आपको तो धीरे धीरे कुछ खाना पकाना सीखना पड़ेगा, तो इसीलिए आप रोटी अपने आप बनाओ, और इसीलिए चलो भाई मैं ये आपको गूंद के लुआ बना के दे देती हूँ,
मगर कम से कम इसको आपको तैयार तो करो, रोटी रोटी तो बनाओ, आप समझे ना। तो फिर आप अटेंशन देके रोटी को गोल बनाने की कोशिश करते हैं, यस और नो? यस। फिर भी गोल नहीं होती है, करेक्ट? यस। ऐसे 25-50 बार करोगे विथ अटेंशन तो भी गोल नहीं होगी, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। जी स्वामी जी। मगर 100-200 बार प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट? जी। उसके बाद 200 के बाद 201 बार बातें करते रहोगे, ध्यान नहीं दोगे तो भी परफेक्ट होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि बताइए, क्योंकि उसका हमें अभ्यास हो गया है। तो यहाँ किसकी जरूरत है? अभ्यास की। अभी आपको सेट हो गया, आंसर सेट हो गया? हाँ जी, सेट हो गया। फिर आप कहोगे मैं पहली बार अभ्यास करूंगा तो हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है स्वामी। नहीं तो और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता है? नहीं नहीं। मैं कहूंगा कि आप रोटी परफेक्ट बनाओ, फिर मैं कहूंगा आपको अभ्यास नहीं करना है, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो यहाँ मैं विज्ञान में ये कहता हूँ, विज्ञान उपयोग करते रहो, धीरे धीरे परफेक्ट होंगे, मगर मैं कहूंगा पहले से परफेक्ट हो जाओ तो पॉसिबल है? नहीं। वो स्वामी जी, वो एकदम से जैसे कोई जैसे बुरा व्यवहार करता है तो वो हमें पता तो समझ में तो आ गया कि ये सब कर्म उदय के अधीन है, लेकिन फिर भी वो एकदम अंदर से स्वीकृत नहीं होता है तो भी दुख बहुत हो जाता है। तो मतलब अंदर से वो स्वीकार नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। नहीं, अगर आपने कहा अंदर से क्योंकि हमारी गलती नहीं है ऐसा लगता है, और इसीलिए आज हमारी गलती नहीं है फिर भी ये भुगतान करना पड़ता है, तो अंदर से स्वीकार नहीं होता है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। मगर आपके पास दो ऑप्शन है, स्वीकार न करने से बेनिफिट और स्वीकार करने से बेनिफिट, तो आप क्या कहोगे? स्वीकार करने से ही बेनिफिट होगा। That's it. और कोई रास्ता है तो बताइए। नहीं। तो आप कहोगे कि नहीं करना है तो भी बेनिफिट नहीं है फिर। क्योंकि सामने तो हमने पहले क्या किया है वो तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो सामने अपमान कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है वो तो हमें एग्जैक्ट दिख रहा है, तो इस वजह से मतलब वो भुगतना थोड़ा ज्यादा आ जाती है, ये हो जाता है कई बार। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। जब हम जमीन के नीचे थोरिया समझता है, कांटा वाले, आप समझते हैं जिसको कांटा होता है, जो इर्द गिर्द लगाए जाते हैं ताकि वहां से कोई प्राणी वगैरह अंदर न चला जाए, उसके थोरिया बोलते हैं, जो कांटे वाला होता है। तो इनका बीज तो पहले जमीन में डालते हैं, फिर बाद में उस पर मिट्टी आ जाती है तो वो दिखता नहीं है, मगर जब पानी मिलने से, हवा मिलने से, वातावरण से वो बाहर निकलता है तब मालूम होता है कि ये तो थोरिया कांटा वाला निकल गया। तो बिना बीज निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। ऐसे हमको कर्म फल मिला है तो क्या बिना बीज कर्म फल हो सकता है? बिना कर्म फल हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। मगर दिखता नहीं का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, वो कई बार हो जाता है। हमको माता पिता मिला, हमको क्या दिखा? हाँ नहीं स्वामी जी, मैं समझ गई आपकी बात। बोलिए। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए आप। जय सच्चिदानंद, कौन है? अभी सुधा बेन। वो चेंज हो गए। ओके। हाँ। ओके। सुधा बेन दिखते नहीं है मेरे को, एक मिनट। वीडियो ऑन किया है स्वामी जी? एक मिनट। हाँ, अभी देखा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको ये सपना के बारे में पूछा था कि खुली आंख की सपने में, और ये अभी आपने ये भी एक सपना ही है,
ऐसा आपने भी कहा था, अभी हमको ऐसा सपने में जगत दिखता है। सपने में जगत दिखता है, एग्जाम्पल जैसे पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली सब हमको सपने में भी दिखता है। और हम खुले आंख में भी जगत दिखता है। तो वही कुत्ते पेड़ पौधे दिखते हैं, समझ लो। चलो फिर हाँ, उसमें और एक फिर? जगत में एक ही जगत तो वहां भी है, ये वहां भी है। तो जगत क्या वो हमारे मिथ्या में है? ये दोनों जगत की अवस्था ही मिथ्या है, चाहे सपने वाली है चाहे खुली आंख वाली है, दोनों मिथ्या है। क्योंकि थोड़े समय के बाद इसी अवस्था का न खुली आंख में अस्तित्व रहेगा न बंद आंख में अस्तित्व रहेगा। यस और नो? यस स्वामी जी। तो दोनों सपना नहीं हुआ? हाँ, सही। सपना का प्रिंसिपल क्या है? स्वप्न का, ड्रीम का प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत जिसको बोलते हैं। हमारा जैसे आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है तब सपना शुरू होता है, और जब आंख खुल जाती है तो सपना समाप्त हो जाता है, करेक्ट? हाँ, सही है। ऐसे हमारे जीवन को ही, बाह्य जीवन को ही सपना क्यों कहते हैं? जैसे हमने जन्म लेते पहली बार आंख शुरू खुला किया तब सपना शुरू हुआ, और जब कायम के लिए आंख बंद कर दिया सपना खत्म हो गया। ये सपने को सच मान रहे हैं? फिर आप खोलेंगे, फिर आप आंखें खोलेंगे तब ये सपना नहीं रहेगा। यस और नो? यस स्वामी जी। तो ये शॉर्ट सपना है, ये लंबा सपना है, दोनों सपना ही तो है। हाँ स्वामी जी। अने हम ये हमें सपने में जुड़ रहे हैं, इसीलिए हम फिर से वो सपना लंबा कर रहे हैं, ऐसा ही हो गया ना स्वामी जी? नहीं, सपने को सच्चा मानते हैं वो ही हमारी अज्ञानता है। हाँ सही। हाँ आप समझे? हाँ, सपने को सपने ही मानो। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मन वचन काया को न टच करने की कोशिश करो, न जुड़ने की कोशिश करो, न इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, न परिवर्तन करने की कोशिश करो, न सुधार करने की कोशिश करो, सिर्फ मुक्त रहने की कोशिश करो। यही मैं कहता हूं ना? हां स्वामी जी। क्यों कहता हूं? क्योंकि सपने को बदलने का मतलब क्या है वो तो बताइए। क्या मतलब? जैसे जैसे सपने में संजोग आते हैं वो भी तो छह तत्वों के आधार पे ही आते हैं स्वामी जी। सपनों में जो आंखें बंद करके जो दिखता है उसमें तो दृश्य होता है, छह तत्व नहीं होते हैं, दृश्य होता है। यहाँ एक्चुअली छह तत्व है, यहाँ दृश्य के रूप में होता है। जैसे हम भी तो सब मूवमेंट है, जैसे हम परिवार के साथ व्यवहार करते हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चे के साथ, सास ससुर के साथ व्यवहार करते हैं, वो लाइव है। अगर वही बातें हम रिकॉर्ड करके टीवी में देखते हैं तो वो दृश्य है। नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? हाँ स्वामी जी। इसमें छह तत्व नहीं है, दृश्य है। दृश्य है। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जैसे सपने को दृश्य मानते हो ऐसे उनको भी अगर दृश्य मानोगे तो फिर आपको पजल नहीं है, मगर आपको तो दृश्य सच्चा लगता है। यही आपकी गलती है। क्योंकि मैंने बोला, उन्होंने बोला, मेरा है तेरा है, तो भी सपना नहीं रहा, फिर सच्चा हो गया। अगर ऐसा माना तो, ऐसा व्यवहार किया तो तकलीफ नहीं है बोलने से, मगर बोलो स्वामी। यस हाँ स्वामी जी। ओ हम
ऐसा भी कहते हैं ना, ये दुनिया एक रंग मंच है जिसमें हमने ही रिकॉर्ड किया हुआ जो प्ले है वो हम ही एक्ट करते हैं। तो हम भी एक किरदार हैं और जगत में भी सारे भी एक किरदार हैं, एक रंगमंच है। ऐसा भी एक कहना आता है कि ये रिकॉर्डेड है, इसमें सारा कुछ प्ले ऑटोमेटिक हो रहा है, हम एक रोल कर रहे हैं, सिर्फ रोल कर रहे हैं, ये हमको बांध नहीं है ये, और इसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए हमको ये सच्चा मन सच लगता है, सचमुच तो सच है ही नहीं। क्या स्वामी जी सही है? क्योंकि हमारी दृष्टि में कमी क्या है, दूसरी व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति करते हैं तो हम इसको सपना मान सकते हैं, हम अनुभव करेंगे तब सपना नहीं दिखता है, सच्चा हो जाता है। हाँ। तो ये हमारी दृष्टि की कमी है। किसकी कमी है? दृष्टि की। हाँ, दृष्टि की कमी है। हाँ। तो दृष्टि को करेक्ट करना है। किसको करना है? दृष्टि को। अवस्था को तो हम सुधार नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, मगर अवस्था के पीछे हमारी दृष्टि है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। बराबर है? सही है समझी। ठीक है समझी। और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना बुलाते हैं, आप सब यहाँ सब रिपीट करेंगे। ओके, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।